ये एवरीवन, कुक विद प्रियांशिश में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक यूनिक डिश लेके आई हूँ। मतलब ये ना बहुत टेस्टी होती है और ये मतलब वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो ये रोटी ना ओट से बनी है और इसके अंदर मैंने बीट रूट डाला है। सो आप ये मतलब बना के खाओगे ना तो आप कैसे लगा कि आप रोज़ रोज़ बना के खाओ इसको, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने हाफ कप ओट्स लिए हैं। मतलब इसका आटा तो मैं पहले ऐसे ही बना के रख चुकी हूँ, बट मैं आपको दिखाने के लिए कि एक जने के लिए हाफ कप ओट्स बहुत होते हैं। तो हाफ कप ओट्स लेने के बाद इसको मैं मतलब जस्ट 3 to 4 मिनट्स इसको मैं रोस्ट करूँगी। इसमें से मतलब लाइक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं एक मिक्सी जार में इसको डाल के इसका एकदम फाइन पाउडर बना लूँगी, एकदम आटे की तरह बन जाएगा ये। और उसके बाद हम इसके अंदर मैंने मतलब बीट रूट को ग्रेट करके रखा था, तो हम ये बीट रूट डालेंगे। मतलब बीट रूट का कलर कितना अच्छा आता है ना, और बीट रूट होता भी बहुत मतलब ऑब्वियसली बात है हेल्दी। तो इसके अंदर मैंने घर का घी डाला है 1 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, बस। फिर हम एक इसका बहुत स्मूथ सा डो बना लेंगे और इसको 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। तो 10 मिनट्स के लिए हम के अंदर अंदर हम अपनी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने स्वीट कॉर्न्स बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मैंने लिए शिमला मिर्च और टमाटर और पनीर, बस। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच घी डाला है, उसके अंदर मैं ये टमाटर और शिमला मिर्च डाल के उसको 2 मिनट के लिए पका लूँगी। फिर मैं इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, सौंफ, नमक और काली मिर्च ये सब डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सौंफ से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पता है। फिर जब ये एकदम अच्छे से पक जाएंगे ना, तो मैं इसमें स्वीट कॉर्न डाल के इसमें ना मैंने खटाई डाली है, जिससे ना ये थोड़ी खट्टी बन जाती है सब्ज़ी और बहुत टेस्टी लगती है। और फिर इसमें मैं पनीर डालूँगी जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब अपन अपनी ओट्स वाली रोटी बनाते हैं। तो ओट्स वाली रोटी बनाने के लिए मैंने जो पूरा डो बनाया था ना, उसको हम पूरा का पूरा रोल कर लेंगे। देखिए, हमें इतनी पतली रोटी बेलनी है और फिर एक प्लेट से या कोई भी कटोरी से आप उसको गोल शेप देके साइड में रख लेना। ये देखिए, छोटी छोटी सी रोटियाँ। तो ऐसे करके मैंने 2 रोटी बना ली थी, इसकी 2 रोटी बनी थी। ये हम पराठा बना रहे हैं। पहला हम बनाएंगे बीटरूट का पराठा, ओट्स बीटरूट पराठा। और जो मैंने दूसरी रोटी को ना सिंपली बना लिया, मैंने उसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं की। सो ज़रा ज़रा सा ही जो कि मैंने जो घर का घी है ना वो यूज़ में लिया, जो मतलब हेल्दी होता है, आपको खाना चाहिए घर का घी। तो वो ही मैं परांठे पे लगा रही हूँ। और हम ना इसको मीडियम फ्लेम पे 2-4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। और ये हमारे रोटियां तैयार है, वेट लॉस रोटियां तैयार है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। इन्जॉय। देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, कितनी ईजिली टूट गई। सी, अभी मतलब रेड कलर होने की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये रोटियां सिक रही है कि नहीं सिक रही, बट देखिए ब्लैक ब्लैक हो चुका है ना साइडों से। और आपने ना रोटियां पतली बनाना, जिसकी वजह से आपकी रोटियां बहुत जल्दी सिकेगी। और ये आप इंजॉय करना अपनी मील को और एकदम बेफिक्र होके खाना कि हमारा वज़न कम ही होगा इसको खाने से। और ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू, बाय बाय।